वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। कौन सी पिक हो रही है वायरल ऑफ अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली? किसने अग्री करवाया सैफ अली खान को टू वर्क इन बंटी और बबली 2? वरुण धवन की ये सारी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर रही हैं सुपर सक्सेसफुल, और इन फिल्म्स में एक चीज है बिल्कुल कॉमन, ये सारी फिल्म्स रही हैं बॉलीवुड कमर्शियल पॉट बॉयलर्स। जी हाँ, वरुण की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कमर्शियल मसाला फिल्म्स, और अब वरुण ने लिया है फैसला कि वो सीरियस या हार्ड हिटिंग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स की जगह कमर्शियल जॉनर्स की फिल्म ही करेंगे, क्योंकि इस जॉनर ने उन्हें बनाया है बॉक्स ऑफिस किंग। दरअसल सोर्सेस का कहना है कि वरुण पहले डिफरेंट जॉनर्स में फिल्म में हाथ आजमाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्हें लगा अगर वो सीरियस फिल्म्स की तरफ ज्यादा रुख करते हैं तो वो बॉक्स ऑफिस के नंबर गेम में बाकी एक्टर्स से पीछे छूट सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड मसाला फिल्म साइन करने का मन बना लिया है। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें स्ट्रीट डांसर 3D, कूली नंबर 1 और मिस्टर लेले जैसी फिल्म्स शामिल हैं, और ये सारी ही बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर फिल्म्स हैं। वैसे वरुण ने अपने फेवरेट डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म 21 जरूर साइन की है, जिसमें वो एक वॉर हीरो का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वेल, साफ है वरुण धवन ने सोच समझ कर फिलहाल लिया है फैसला टू फोकस ऑन मसाला एंटरटेनर फिल्म्स। अब देखना है कि वरुण का ये डिसीजन उन्हें किस हद तक सफलता दिलाता है। सैफ अली खान को करवाया बेगम करीना कपूर खान ने अग्री टू वर्क इन बंटी और बबली 2। करीना कपूर खान के कहने पर ही सैफ अली खान ने साइन किया इस फिल्म का सीक्वल। ई टाउन न्यूज को सोर्सेस से खबर मिली है कि हाल ही में जब फिल्म बंटी और बबली 2 की स्क्रिप्ट सैफ अली खान को सुनाई गई, तो पहले वो डबल माइंडेड थे अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि सैफ के पिछले कुछ वक्त में साइन की गई फिल्म्स को देखें तो वो रही हैं डिफरेंट जॉनर की आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म्स, लेकिन बंटी और बबली 2 है एक बिग बजट कमर्शियल फिल्म। ऐसे में सैफ इस फिल्म को करने को लेकर सोच रहे थे कि करीना आस्क्ड हिम टू डू दिस फिल्म। सोर्सेस का कहना है कि बेबो को लगा सैफ ने पिछले कुछ वक्त में सीरियस और कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ढेर सारी कर ली हैं, एंड नाउ इट्स टाइम कि वो कमर्शियल फिल्म ड्रामा का रुख करें, क्योंकि इन फिल्म्स के जरिए ही वो शामिल हो सकते हैं इन द नंबर गेम एट द बॉक्स ऑफिस। ऐसे में करीना की एडवाइस को मानते हुए सैफ ने इस फिल्म को हाँ कह दिया है। वैसे सैफ का रोल पहले अभिषेक बच्चन को ऑफर किया गया था, क्योंकि उन्होंने ही इस फिल्म के पहले पार्ट में रानी मुखर्जी के साथ काम किया था, लेकिन मेकर्स के साथ बात ना बनने पर अभिषेक ने इस फिल्म को छोड़ दिया। और हाल ही में इस फिल्म को साइन करने के बाद सैफ अली खान ने कहा, बंटी और बबली 2 इज अ कम्प्लीटली रीबूटेड सीक्वल एंड इज सेट इन टुडेज टाइम। इट इज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट दैट हुक्ड मी ऑन इंस्टेंटली। इट इज एन आउट एंड आउट एंटरटेनर फॉर द एंटायर फैमिली टू सिट एंड एंजॉय, एंड दिस इज व्हाट आई लव्ड एंड कनेक्टेड विद। ऑल्सो इट्स अ न्यू रोल फॉर मी, न्यू लैंग्वेज एंड मेलिया, एंड दैट्स व्हाट आई रियली लुक फॉर इन अ स्क्रिप्ट। I also love the dynamics between the originals and the new Bunty Bubbly in the film. It's fresh, hilarious and extremely engaging.
साफ है सैफ को अपना ये न्यू रोल उनके हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है। वैसे सैफ ही नहीं, उनकी को एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी उनके ऑन बोर्ड आने से काफी खुश हैं। और रानी ने कहा है, एज अ टीम वी आर सो हैप्पी टू वेलकम सैफ। आई हैव लवली मेमोरीज ऑफ वर्किंग विद हिम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग विद हिम इन बंटी और बबली टू। होपफुली ऑडियंसेस विल गिव अस द सेम लव दैट दे हैव गिवन आवर अर्लियर फिल्म्स। वैसे इस फिल्म में गली बॉय फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी डेब्यूटॉन एक्ट्रेस शर्वरी के साथ नजर आएंगे, जो यंगर बंटी और बबली का रोल प्ले करेंगे। अक्षय कुमार ने अपनी मॉम के साथ शेयर किया ये वीडियो ऑन सोशल मीडिया। इस वीडियो में अक्षय अपनी मॉम को एक कैसीनो में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसीनो। मौका था अक्षय कुमार की मॉम अरुणा भाटिया के बर्थडे का, और अक्षय ने किया फैसला उनकी सबसे फेवरेट जगह पर ले जाने का। अक्षय ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, Do more of what you love doing, and that's exactly what the birthday girl did. Spent the past week in Singapore, taking mom to her favorite place in the whole world, the casino. Akshay Kumar apni mom ke kafi close hai, aur wo unke har khas mauke par busy rehne ke bawajood unhe time dena nahi bhoolte. इससे पहले भी अक्षय कुमार कई बार अपनी मॉम को ले गए हैं आउट ऑफ द कंट्री टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। वैसे अक्षय कुमार एक कंप्लीट फैमिली मैन भी हैं, एंड ही ऑलवेज मेक श्योर कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। देखिए अक्षय कुमार के अपने फैमिली के साथ स्पेंड किए गए मोमेंट्स के खास पिक्चर्स एंड वीडियोस। You're not catching it. Hold it. Hold it tight. अपना टाइम आएगा. अक्षय कुमार लगभग अपनी हर फिल्म के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फैमिली के साथ जाते हैं ऑन अ हॉलिडे। सुशांत सिंह राजपूत, हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी रखती है उन्हें लाइमलाइट में। इस बार सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए अपने हॉलिडे पिक्चर्स और लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपर मैसिव ब्लैक होल दैट इज नोन टू मैनकाइंड, शाइन ऑन योर क्रेजी डायमंड एट सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के लिए गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर पर रहना एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह बन गया है। सुशांत को ही नहीं, अब गर्लफ्रेंड रिया को भी छोड़ना होगा अपना अपार्टमेंट। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत लगभग 2 महीने पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बांद्रा अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। ये लव बर्ड्स 2 महीने से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन इन लव बर्ड्स का प्यार रिया के लैंडलॉर्ड से देखा नहीं गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम रिया ने जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो अकेले इस अपार्टमेंट में रहने वाली हैं। लेकिन 2 महीने पहले जब सुशांत परमानेंटली शिफ्ट हो गए रिया के अपार्टमेंट में, तो तब लैंडलॉर्ड ने रिया और सुशांत को घर छोड़ने के लिए कह दिया। वेल, सोर्सेस का कहना है कि रिया और सुशांत ऑलरेडी अपने अपार्टमेंट के आसपास हाउस हंटिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द ये दोनों एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे रिया और सुशांत की लव स्टोरी आजकल टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है।
इनका सोशल मीडिया पीडीए भी किसी से नहीं छिपा। हाल ही में सुशांत ने प्यार से रिया को सोशल मीडिया पर अपनी जलेबी बुलाया था और इस स्वीट पिक्चर को पोस्ट किया था। इस पिक्चर के आने के ठीक बाद इट वाज काइंड ऑफ ऑफिशियल कि सुशांत और रिया अब सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वैसे रिया के बर्थडे पर भी जिस तरह सुशांत ने उन्हें एक प्लैटिनम पेंडेंट देकर अपने प्यार का इजहार किया, दैट वाज रियली स्वीट। वैसे सुशांत सिंह राजपूत रिलेशनशिप के मामले में रहे हैं काफी नोन इन बॉलीवुड। रिया चक्रवर्ती के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने से ठीक पहले इट वाज रिपोर्टेड दैट सुशांत सिंह राजपूत कृति सैनन को डेट कर रहे थे और फिल्म राब्ता के सेट से इनका रोमांस परवान चढ़ा था। लेकिन फिल्म राब्ता टैंक्ड एट द बॉक्स ऑफिस और उसके कुछ समय बाद ही उनके ब्रेकअप की न्यूज आ गई। वैसे इस रिलेशनशिप को लेकर भी कहा गया था कि सुशांत वाज क्वाइट सीरियस अबाउट इट। साथ ही फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के लिंकअप की न्यूज सामने आई थी। न्यूज रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि सारा की मॉम अमृता सिंह वाज नॉट दैट हैप्पी अबाउट देयर रिलेशनशिप और शायद यही वजह रही कि ये रिश्ता कुछ ज्यादा समय तक नहीं चला। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में जो रिलेशनशिप सबसे लंबे समय तक चला वो था हिज रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे। टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत से ही सुशांत अंकिता को डेट कर रहे थे। सुशांत अंकिता को टेलीविजन इंडस्ट्री का पावर कपल कहा जाता था और इनका रिलेशनशिप चला काफी लंबा। लेकिन जैसे ही सुशांत ने बॉलीवुड फिल्म्स की तरफ अपना रुख किया वो अंकिता से दूर चले गए और उनका ब्रेकअप हो गया। सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप की न्यूज जब सामने आई थी तो हर कोई हैरान रह गया था। बट नाउ इट सीम्स सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती में अपना लाइफ पार्टनर वाला प्यार मिल गया है एंड इट सीम्स इस रिश्ते को वो लेकर जाएंगे टू द फाइनल डेस्टिनेशन। विराट कोहली और वाइफ अनुष्का शर्मा की ये पिक्चर विद इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री एंड हिज वाइफ सोनम इज गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया। इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं कंट्री के दो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन। एक क्रिकेट में करता है देश को लीड तो दूसरे ने फुटबॉल में देश को किया लंबे समय तक रिप्रेजेंट। सोर्सेस का कहना है इंडियन क्रिकेट टीम की बेंगलुरु में सीरीज विन के बाद सुनील छेत्री और उनकी वाइफ सोनम ने विराट और अनुष्का को इनवाइट किया फॉर डिनर एंड द कपल अग्रीड इंस्टेंटली। सुनील की वाइफ सोनम ने सोशल मीडिया पर विराट अनुष्का के साथ अपने पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, नो फोन्स टिल वी पिक्ड वन फॉर दिस पिक्चर, नो ग्लांस एट द क्लॉक, जस्ट फॉर सच डिफरेंट पीपल स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, वाज लवली होस्टिंग द टू ऑफ यू फॉर डिनर, यू टू आर ऑल काइंड्स ऑफ वंडरफुल। सोनम के इस स्वीट मैसेज पर अनुष्का शर्मा ने रिप्लाई करते हुए लिखा, We had such a beautiful evening that don't be surprised if we land up at your house uninvited next time. वैसे विराट और अनुष्का दोनों ही एक ऐसे सेलिब्रिटी कपल रहे हैं जिनसे हर कोई मिलना चाहता है और इन्हें अपने घर पर बुलाना चाहता है। विराट अनुष्का भी अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के कॉलीग्स को देते हैं फुल रिस्पेक्ट। आपको याद ही होगा कैसे हाल ही में स्विट्जरलैंड में जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली छुट्टी मनाने पहुंचे थे तब वहां से वरुण धवन और उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल और सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ कितने ही पिक्चर्स सोशल मीडिया पर सामने आए थे। इससे पहले भी विराट कई बॉलीवुड पार्टीज और अवार्ड सेरेमनीज में अनुष्का को अकम्पनी कर चुके हैं और हर बार इन्हें जब साथ स्पॉट किया जाता है फैंस गो क्रेजी। द अनसंग वॉरियर की सुपर सक्सेस को एंजॉय कर रहे अजय देवगन अब अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं।
और ये फिल्म भी तानाजी द अनसंग वॉरियर की तरह एक पीरियड एक्शन फिल्म है जो एक मैसिव स्केल पर बनाई जा रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 100 फिल्म्स करने के बाद अजय देवगन कर रहे हैं अपना तेलुगु डेब्यू, और वो भी किसी और नहीं बल्कि बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बना चुके डायरेक्टर एसएस राजामुलि के साथ। अजय देवगन एसएस राजामुलि की आरआरआर में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग अजय ने कर दी है शुरू। ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसके बजट के बारे में अगर बात करें तो वो है तकरीबन 350 करोड़ से 400 करोड़ के बीच। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ आलिया भट्ट, जूनियर एनटीआर, रामचरण और हॉलीवुड के भी नामचीन एक्टर्स जैसे रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी भी नजर आएंगे। वैसे अजय देवगन के रोल या कैरेक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस एक्शन पैक्ड फिल्म में अजय का रोल भी है एक्शन पैक्ड। कि उनका इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस है, पर फिर भी उनका रोल है काफी इम्पोर्टेंट और दमदार। ये पहली बार नहीं है जब अजय देवगन एसएस राजामुलि के साथ काम कर रहे हैं। एसएस राजामुलि की फिल्म देगा, जिसे हिंदी में मक्खी के नाम से रिलीज किया गया था, इस फिल्म में भी अजय देवगन ने दी थी अपनी आवाज एज अ नरेटर। अजय देवगन और एसएस राजामुलि के इस कोलैबोरेशन को लेकर फिल्म की टीम कितनी एक्साइटेड है, ये तो फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑल ऑफ अस आर सुपरचार्ज्ड एंड एक्स्टेटिक टू किक स्टार्ट आवर शेड्यूल विद अजय देवगन जी टुडे। वेलकम सर। द अनसंग वॉरियर के बाद अजय देवगन के फैंस उन्हें एक बार फिर एक पीरियड एक्शन फिल्म में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब बस इंतजार है तो इस मेगा कोलैबोरेशन को बड़े पर्दे पर देखने का। एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बहन, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ, रितु। बिग बी की ये इमोशनल स्पीच एट रितु नंदा'स प्रेयर मीट हर किसी को इमोशनल कर गई। जया बच्चन और उनकी डॉटर श्वेता नंदा इस इवेंट पर रोती हुई नजर आईं। बिग बी रितु नंदा के काफी क्लोज थे, यही वजह है जब से उनकी डिमाइस की न्यूज आई है ही हैज बीन शेयरिंग दीज इमोशनल मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, और अब उनका ये इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वीडियो अगेन। एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बहन, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ, रितु। वैसे इस वीडियो में बिग बी के साथ वाइफ जया बच्चन, सन अभिषेक बच्चन, डॉटर श्वेता बच्चन नंदा एंड मेंबर्स ऑफ द कपूर फैमिली इंक्लूडिंग ऋषि कपूर हु आल्सो मेड अ स्पीच नजर आ रहे हैं। 2 weeks from today was going to be my sister and my brother-in-law Ritu Rajan's 51st anniversary. I guess she chose to be with Rajan dinners. God bless both of them. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. इस वीडियो में रणधीर कपूर एंड वाइफ बबीता, राजीव कपूर, रीमा जैन एंड हस्बैंड मनोज जैन, शमी कपूर्स वाइफ नीला देवी एंड श्वेता एंड निखिल नंदास चिल्ड्रन नव्या नवेली और अगस्त्य भी दिखे। बिग बी ने एक इमोशनल ब्लॉग भी लिखा फॉर रितु नंदा, एन आइडियल डॉटर, एन आइडियल सिस्टर, एन आइडियल वाइफ, एन आइडियल मदर, एन आइडियल इन-लॉ, एन आइडियल मदर इन-लॉ and an ideal friend has left us for good in a distance we cannot cover for now. आगे उन्होंने रितु नंदा को याद करते हुए लिखा, The rights are over.
to ashes they have been reduced. A crowded hall in the home filled with close-knitted relatives and dear friends embrace, break down, hold hands, hold, and the silence of condolence gradually creeps in. Polite conversation of reminiscence, of association, of happy times spent together, of the fight and struggle for the ailment for years, and most of all, the loneliness of them that are left behind. The vacuum, the emptiness, the presence that filled up the entire home, lost and gone. That empty favorite chair, that corner of preference, the unstinted care and concern for all when present, now suddenly not in existence. साफ है पूरी बच्चन फैमिली के साथ कपूर फैमिली याद कर रही है ऋतु नंदा को एंड इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर देम. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. कमिंग अप ऑन द शो, सर दरवाजा बंद कर दो, पूजा मैडम दरवाजा बंद करा. क्या शाहरुख खान एक नए शो को कर रहे हैं होस्ट? सुपरस्टार शाहरुख खान भले ही लंबे समय से लाइट कैमरा और एक्शन से दूर है, पर रिसेंटली शाहरुख को शटरबग ने कैप्चर किया एक डांस रियलिटी शो के सेट पर, जहां शाहरुख नजर आए इन एन ऑल व्हाइट अटायर. यहाँ पे वेल, इस डांस शो के सेट पर शाहरुख ताजमहल के कटआउट के साथ पोज करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद यहां शाहरुख ने अपनी फर्स्ट ताजमहल विजिट की मेमोरीज भी शेयर की. शाहरुख ने बताया कि वो अपनी फर्स्ट सैलरी जो 50 रुपए थी उससे ताजमहल गए थे और ट्रेन टिकट के बाद उनके पास पिंक लस्सी अफोर्ड करने के लिए ही पैसे बचे थे. शाहरुख खान सेड, अ बी फेल इनटू इट बट आई स्टिल ड्रैंक इट एंड प्यूक्ड ऑल थ्रू माय रिटर्न जर्नी. सोर्सेस की माने तो यहाँ शाहरुख खान को एक 20 मिनट डांस परफॉर्मेंस के साथ ट्रिब्यूट दिया गया, जिसमें उनके पॉपुलर सॉन्ग्स लाइक आई एम द बेस्ट, छैया छैया, चम्मक छल्लो और बादशाह जैसे सॉन्ग्स शामिल थे. दरअसल शाहरुख खान पहुँचे थे कोरियोग्राफर टर्न्ड फिल्म मेकर रेमो डिसूजा के डांस शो के सेट पर. सोर्सेस की माने तो यहाँ शाहरुख रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड के शूट के लिए पहुँचे थे, और इस शो के सेट पर क्या हुआ ये अपडेट भी जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे. वेल, शाहरुख खान को सिल्वर स्क्रीन पर लंबे समय से देखने के लिए वेट कर रहे उनके फैंस के लिए डेफिनेटली ये है एक गुड न्यूज. पर फिलहाल शाहरुख खान के फैंस चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट करें. इससे पहले ये सुनने में आया था कि वो जल्द ही राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म शुरू कर सकते हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट उनकी रावण को-स्टार करीना कपूर खान नजर आएंगी. जिसके बाद सुनने में ये भी आया कि जल्द ही शाहरुख खान के BFF और फिल्म मेकर करण जौहर उन्हें एक नए प्रोजेक्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं. पर ये रिपोर्ट्स कितनी सच है या झूठ, ओनली टाइम विल टेल. If you want a lesson in layering, then Sonam Kapoor is your go-to. The actress manages to experiment and nail the look almost every time. Hi, I am Elisha and this is Celeb Style Playbook for Broke Girls. So in a recent airport appearance, Sonam was seen in a sharp and structured look where she wore a white turtleneck which she layered with a check Altazara blazer that she wore buttoned up with trousers from the same designer. She styled the look with a red vintage Ralph Lauren belt. She matched her belt with big sunnies that had a red tint and finished the look with black boots and a tan bag. The turtleneck, blazer and pants would cost you around 3 lakh. Whoa! Let me show you my broke girl's version of this. So here I am wearing a pair of black pants from Mango that costs only 2000 rupees. And I'm wearing a white turtleneck from Forever 21 that I got only for 500 rupees. I decided to round the look with a check longline blazer from Mango that costs 3500. And just like Sonam, I finished this look with a pair of black boots and a sharp side part hairdo. I hope you like this look and will try it out yourself. See you guys next time. Adios!